हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो हम देख लेते हैं आपके एक्स पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके सो गाइज, ये एक कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ही आपसे रेजोनेट करेगी। ओके सो आई एम स्टार्ट करते हैं आपके एक्स पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो आप जल्दी से अपने एक्स पर्सन के बारे में सोचिए। ओके फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। ओके और यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो जिस भी पर्सन के साथ आपके पार्टनर हैं इस वक्त, वहाँ पर उस सिचुएशन में इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे। ओके एंड वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे। आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी उसे वो बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे। ओके एंड इस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके एंड गाइस, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्टी फील भी कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे क्यों सेपरेशन किया या आपसे क्यों दूर हुए। ओके एंड इस वक्त वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा आपकी तरफ आने के लिए। एंड वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक है और जिस भी पर्सन के साथ वो इस वक्त है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। ओके ओके एंड यहाँ पर जैसा मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट गाइज, वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आपके साथ को मिस कर रहे हैं। आपके पास्ट में आपने जितनी भी मेमोरीज साथ में आपने पास्ट में जितने भी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है वो सारी चीज़ें आपके पर्सन याद कर रहे हैं। ओके एंड इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं। ओके ओके गाइज, बाय।